बहुत ज्यादा दुख हो रहा मेरे को। लाइटनिंग केबल फाइनली अपने प्यारे लाइटनिंग केबल की ऑफिशियली हत्या हो चुकी है दोस्तों। सेलिब्रेशन तो बनता ही था। हाँ ये कर लो पहले। एप्पल लॉन्च कर दिया अपने न्यू लाइनअप ऑफ आईफोन 15 सीरीज। क्विकली सबके बारे में बात करते हैं। मुझे क्यों तोड़ा? अभी मर गया तू भाई, अब क्या करना चाहते हैं आप लाइफ में? डिटेल्स आज वाले इवेंट में एप्पल ने मेनली आईफोन 15 सीरीज ही लॉन्च किया है। बाकी यहाँ पे आपको एप्पल वॉच सीरीज 9 लॉन्च किया है। सीरीज 7, 8 और 9 में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। मैं यहाँ पे आपको सीरीज 7 यूज कर रहा हूँ। 7 और 8 में डिफरेंस था इमरजेंसी SOS नया आया था, और 8 और 9 में डिफरेंस है एक नया चिपसेट डाल दिया गया है। एक डबल टैप वाला फीचर है जिसको आप डबल टैप करो और सो जाओ। ये डबल टैप वाला फीचर है सीरीज 6, 7, 8, 9 सब में था, बस इस बार ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। मतलब चेंज के नाम पे जीरो, डिजाइन भी सेम है। और जो लास्ट ईयर एप्पल वॉच अल्ट्रा लॉन्च हुई थी भाई, बहुत वायरल हुआ था। उसका जनरेशन 2 आ गया है विद इंप्रूव्ड बैटरी लाइफ, जो कि अब सिंगल चार्ज पे 36 घंटे हो गई है, और लो पावर मोड यूज करोगे तो 72 आवर्स हो जाएगी। 95% रिसाइकल मटेरियल से बना हुआ है। बाकी एप्पल वॉच अल्ट्रा टाइटेनियम बॉडी के साथ आती है, और वही टाइटेनियम बॉडी यूज होने वाला है आईफोन प्रो मॉडल्स में, जिसके बारे में जस्ट अभी बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आईफोन 15 नॉन प्रो मॉडल्स की बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आईफोन 15 जो है इस साल का मोस्ट सेलिंग डिवाइस आराम से बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। यहाँ पे आपको 5 नए कलर्स लॉन्च किए गए, प्रोडक्ट रेट इस बार नहीं आया है, और इस सारे कलर्स इन्फ्यूज्ड ग्लास के साथ आ रहे हैं, देखने में काफी कूल लग रहा है। इसका सेल 22 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। सेम डे खरीद के डिजाइन इसका पूरा प्रॉपर दिखा दूंगा, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और डिजाइन में सबसे बड़ा चेंज है ये लास्ट ईयर वाला डायनेमिक आइलैंड। डायनेमिक आइलैंड को मैं एक साल से यूज कर रहा हूं, ऑनेस्टली बेस्ट नॉच एवर है। एनिमेशंस और जो इंटीग्रेशन है इसका, मजा ही आ जाता है इसको यूज करके, और ये मजा चारों ही आईफोन में मिलने वाला है इस बार। लेकिन इसके डिस्प्ले अभी भी 60 हर्ट्ज पे चल रही है यार, अब तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दे दो प्रोमोशन डिस्प्ले। दूसरा बड़ा इनोवेशन है इनके कैमराज में। आईफोन 15 एंड 15 प्लस के अंदर 48 मेगापिक्सल वाला 14 प्रो मैक्स वाला कैमरा आ चुका है, और इसका जो वाइड एंगल कैमरा है 12 मेगापिक्सल वाला, इसी के अंदर 2x पोर्ट्रेट मिलेगा आपको। जैसे कि मेरे 14 प्रो मैक्स है, इसके पोर्ट्रेट मोड में जाऊंगा मैं, देखो अपने आप जूम हो जा रहा है, ये 2x पे शूट कर रहा है। यही पोर्ट्रेट मोड बहुत दिन से मिसिंग था, अब आपको आईफोन 15 मिलने वाला है। कैसी फोटोज आएगी हम खरीद के बताएंगे। और ऑफ कोर्स टाइप सी पोर्ट आईफोन 15 एंड 15 प्लस में मिलेगा। मिस यू लाइटनिंग पोर्ट। और इस बार डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी 2000 निट्स तक जा चुकी है। मतलब डिस्प्ले, कैमरा, डिजाइन और पोर्ट्रेट सब इंप्रूवमेंट के साथ आ रहा है। और जैसा आईफोन हमने आपको पहले दिखाया था डमी वाला, एग्जैक्टली सेम डिजाइन आईफोन 15 और 15 प्लस का आया है। कोई भी कर्व एजेस नहीं आया जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया था, और सिंपली इस बार भी वही सेम आईफोन डायनेमिक आइलैंड। और आईफोन 15 सीरीज में आपको न्यू वॉलपेपर्स भी देखने को मिलने वाले हैं, इसको डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। अब बात करते हैं प्रो सीरीज के बारे में। न्यू वाले प्रो वर्जन को जैसे हमने दिखाया था आपको, जैसे कि इस बार का ये राउंड कॉर्नर एग्जैक्टली सेम डिजाइन और टाइटेनियम का फिनिश आया है। मतलब कि 14 सीरीज वाला स्टेनलेस स्टील अब नहीं मिलने वाला है आपको, शायद इसका भी अंतिम संस्कार कर देना चाहिए था हम लोग को, बट फोटो फ्रेम एक ही था भाई। तो चार न्यू कलर्स आए हैं। सबसे पहला है नेचुरल टाइटेनियम, और ये वाला है ब्लू टाइटेनियम, ये वाला व्हाइट टाइटेनियम, और ये है ब्लैक टाइटेनियम। ये जो नेचुरल टाइटेनियम है ग्रे टोन में आ रहा है, यही वाला आईफोन खरीदने वाले हम लोग 22 तारीख को। इसकी भी वीडियो आपको दिखा देंगे, प्राइस भी बढ़ चुका है, कोई बात नहीं मैनेज कर लेंगे। और ये टाइटेनियम फ्रिश एरो स्पेस टाइटेनियम है, जिससे स्पेस क्राफ्ट बनाया जाता है और आईफोन 15 प्रो सीरीज बनाया जाता है। रुके जाओ भाई, तुम तो मर गए ना यार, क्यों नहीं हो रहा है? एप्पल ने इसको ऐसे अपने जायदाद से निष्कासित कर दिया। प्रो मैक्स सीरीज के अंदर 128 GB को हटा दिया गया, अब ये स्टार्ट हो रहा है 256 GB से। और इनकी जो ये तीसरी वाली आंख है, ये अब 120mm तक जूम कर सकती है। एप्पल ने अपने लॉन्च मोमेंट में ये वाले वीडियो दिखाई, और एक्चुअल में देख के लग रहा है भाई नया वाला आईफोन बहुत ज्यादा जूम कर सकता है। लेकिन क्या ये जूम किंग S23 अल्ट्रा को बीट कर पाएगा, वो हम लोग देखेंगे खरीद के। तो कंप्लीट 7 प्रोफेशनल लेंस आपको ये आईफोन 15 प्रो सीरीज में मिलने वाला है। कैमरा में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गया है। दूसरा, आपको 4K 60fps शूट कर सकते हो प्रोरेस मोड में, जो 14 प्रो में 30fps तक था, तो डेफिनेटली वहां भी काफी बड़ा इंप्रूवमेंट है। और चारों आईफोन की सेल्फी में बिल्कुल भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आया, एप्पल को ये खुद पता है, तो उन्होंने बोला कि भाई फोटो लेके दिखा देते हैं, वो फोटो भैया को डाल दियो, ठीक है? I've got to take advantage of a set like this. और इस बार जो एक्शन बटन है ये भी नया आ चुका है, जो कि हमने आपको डमी में दिखाया भी था, और इसके साथ आप काफी सारे काम कर सकते हो। और भाई ये एनिमेशन तो काफी कूल लग रहा है देखने में। लेकिन अगर नंबर्स के बारे में बात करें, वही सेम 48 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल, लेकिन प्रो एंड प्रो मैक्स में डिफरेंस आया इस बार। जो अपना प्रो है ये आपको मैक्सिमम जूम 15x तक कर सकता है, जो कि आपको नॉर्मली करता था, लेकिन जो ऑप्टिकल जूम में जहां पे क्वालिटी की फटती नहीं है वो 6x तक कर सकता है। और अगर प्रो मैक्स की बात करते हैं, इसका ऑप्टिकल जूम 10x तक जा चुका है, जो कि आपको इक्विवेलेंट है अपने S23 अल्ट्रा से। तो भाई कंपैरिजन तो बनेगा कैमरा में तगड़ा वाला। और परफॉर्मेंस के लिए नया वाला A17 प्रो चिपसेट यूज किया गया है। एप्पल ने पहली बार किसी चिपसेट को प्रो बोला है, क्योंकि रे ट्रेसिंग गेम सपोर्ट करने वाला है। मतलब गेम के विजुअल्स ऐसे लगेंगे जैसे सामने मारपीट हो रहा है, और रेसिडेंट एविल एंड असैसिन क्रीड जो है फोन पे आने वाले, जो कि काफी तगड़ा चलेंगे। बाकी भाई डिस्प्ले हर एक चीज सेम है, क्योंकि आईफोन ने ऑल
ऑलरेडी उसके ऊपर महारत हासिल कर रखी है। तो ये कुछ सीन थे आईफोन 15 सीरीज के। मुझे लगता है आईफोन 15 एंड 15 प्लस के अंदर बहुत मेजर अपग्रेड्स आए हैं। चारों आईफोन का डिस्प्ले क्वाइट सिमिलर हो गया, मतलब सेम निट्स ऑफ ब्राइटनेस, सेम डायनेमिक आइलैंड, बस इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, इसमें 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो आपका फेवरेट आईफोन कौन सा था इस बार कमेंट में बताओ। और अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। अपना आईफोन 15 80,000 से स्टार्ट होने वाला है और 15 प्लस 90,000 से स्टार्ट होने वाला है। HDFC का बैंक ऑफर मिल जाएगा। आईफोन 15 प्रो 1,35,000 रुपए का हो गया और 15 प्रो मैक्स 1,60,000 रुपए का हो गया। भाई बहुत ज्यादा महंगा हो गया। प्राइस के बारे में क्या बोलो, पैसा है तो ले लो, नहीं है बोलो फीलिंग गरीब विद 6 अदर्स। और भाई आप सब्सक्राइब कर सकते हो, हम सारे आईफोन एक बार खरीद के आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। और भाई गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय।